दौसा के सिकंदरा में एक बार फिर एटीएम लूट का प्रयास हुआ। कुछ बदमाश एटीएम बूथ में पहुंचे और एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वे विफल रहे। एटीएम बूथ में 2,10,000 रुपए नकद थे, लेकिन बदमाश इसे लूटने में विफल रहे। रात के समय एटीएम बूथ में गार्ड नहीं था। ऐसे में बुधवार को जब दिन के समय गार्ड एटीएम बूथ में पहुंचा तो एटीएम क्षतिग्रस्त था, जिसके बाद तत्काल सिकंदरा थाना पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद सिकंदरा थाना पुलिस ने मौका मुआवना किया और संदिग्ध व संभावित एटीएम के लुटेरों की तलाश में जुट गई। गौरतलब है कि दौसा में पूर्व में भी एटीएम लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। पिछले कुछ महीनों में ही बांदीकुई, सिकराय और बालाहिडी में एटीएम लूट की वारदातें हुई हैं। हालांकि पुलिस ने कुछ दिन पहले ही सिकंदरा में एटीएम के लुटेरे गिरफ्तार किए थे और उनके कब्जे से बगरू से लूटा हुआ एक एटीएम बूथ भी बरामद किया है। ऐसे में एक बार फिर एटीएम के साथ छेड़छाड़ की घटना ने यह दर्शा दिया है कि दौसा सहित आसपास के जिलों में एटीएम लूटने की गैंग एक नहीं है बल्कि अनेक गैंग सक्रिय हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और एटीएम के लुटेरों की तलाश कर रही है। दौसा में एटीएम लूट गिरोह सक्रिय है। सिकंदरा में एक बार फिर एटीएम लूट की नाकाम कोशिश हुई है। कुछ बदमाशों ने रात के समय एटीएम को लूटने की कोशिश की। एटीएम में नकदी भरी हुई थी। हालांकि बदमाश एटीएम को लूटने में विफल रहे और मौके से फरार हो गए। रात के समय गार्ड भी नहीं था। आज सुबह जब गार्ड पहुंचा तो पूरे घटनाक्रम का पता लगा। इसके बाद में सिकंदरा थाना पुलिस ने मौका मुआवना कर एटीएम के लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। गौरतलब है कि दौसा में इससे पहले भी सिकराय, बालाहेडी और बांदीकुई में एटीएम लूट की घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में पुलिस अब संभावित एटीएम के लुटेरों की तलाश में जुटी हुई है।